नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सऊदी अरब में भारतीय महिला का हाथ काटा। सऊदी अरब में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली चेन्नई की 55 साल की कस्तूरी मणिरत्नम के परिवार ने आरोप लगाया है कि कस्तूरी के नियोक्ता ने उनका दायां हाथ उस वक्त काट डाला जब उसने प्रताड़ना एवं यातना से बचने की कोशिश की। कस्तूरी को सऊदी अरब से वापस लाने में मदद की गुहार लगा रहे परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत ज्ञापन भेजे हैं। द्रमुक सांसद कनी मोझी ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर इस बाबत उनसे मदद मांगी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना को अस्वीकार बताया है और कहा है कि यह मामला सऊदी अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वे इस घटना से व्यथित हैं। आईपीएल को लगा बड़ा झटका, पेप्सी ने हाथ खींचे। इंडियन प्रीमियर लीग में अगले सत्र में नया प्रायोजक होगा क्योंकि पेप्सिको ने बीसीसीआई के साथ करार खत्म करने की इच्छा जताई है। शीतल पेय निर्माता इस कंपनी ने आईपीएल से जुड़े विवादों के कारण 5 साल के करार को खत्म करने की इच्छा जताई है जिसकी मियाद 2017 तक की है। बीसीसीआई सूत्रों ने हालांकि दावा किया है कि विदेशी हितों में गिरावट के कारण पेप्सी ने यह करार खत्म करने की इच्छा व्यक्त की है। गजल गायक गुलाम अली ने स्वीकार किया केजरीवाल का न्योता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी में अपना कार्यक्रम पेश करने की उनकी दावत कबूल कर ली है। शिवसेना की धमकियों के चलते गुलाम अली का मुंबई और पुणे प्रोग्राम रद्द होने के बाद केजरीवाल ने यह आमंत्रण दिया था। बाद में गुलाम अली ने कहा कि वे दिसंबर में दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि जहां जहां लोग उन्हें मोहब्बत से बुलाएंगे वहां वहां वे जाएंगे। सोमनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी। आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को उड़ाने की गुरुवार देर शाम पत्र के जरिए मिली धमकी से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माने जाने वाले इस मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस पौराणिक मंदिर में देर रात तक बम निरोधक दस्ते तथा खोजी स्वान दस्ते की पड़ताल में कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पर मंदिर के प्रवेश बिंदुओं तथा समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्लूटो पर मिले बर्फ होने के संकेत, आसमान भी नीला। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर पानी मिलने के बाद अब सुदूर स्थित प्लूटो पर भी बर्फ होने के संकेत मिले हैं और साथ ही उसका आसमान पृथ्वी की तरह नीला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने न्यू हॉरिजन से मिली पहली रंगीन तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर यह दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लूटो की धुंध के कण भूरे और लाल रंग के हो सकते हैं, लेकिन वे नीला प्रकाश बिखेर रहे हैं। साथ ही प्लूटो पर बर्फ के कई छोटे छोटे क्षेत्रों का भी पता चला है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।